सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को जो यहाँ कार्ड से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम CSP लेंगे तभी हमको जो है यहाँ पे हम पैसा निकाल सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट बैंक के ID से हम जो है पैसा निकाल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा है, गिनती नहीं कर सकते आप, इतने ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे एरिया में तो ऐसा होता है ना, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही ज़्यादातर कस्टमर हैं, उसका ही पैसा आप लोग निकालते थे, उसी से अर्निंग करते थे, तो अब क्या हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है कि सर हम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP कैसे लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP कितने में आएगा। तो ये तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप फिर आपके इलाका में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करते हैं आपका डाउट जो है, जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP आप लोग को लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग मान लीजिए आपके एरिया में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक ही ये पैसा निकलवाने वाले, तो आप लोग क्या करिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने के बाद वहाँ पर उनसे जो है रिक्वेस्ट करिए ब्रांच मैनेजर से कि सर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्चेंट यहाँ पे ID दे दो। मर्चेंट AEPS ID अगर आप लोग को दे देता है ना वो, तो आप लोग जो है अच्छे से काम कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको CSP ही लेना पड़ेगा। CSP कि आपको जो है कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको सब कुछ करना है, हमारे चैनल पे आप क्लिक करिएगा टेक्निकल सोनू वर्ल्ड पे, तो आपको 100% एक CSP अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP ID लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही गलत हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी AEPS संचालक हैं, यहाँ पर आप लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुकान पर ही निर्भर है, जो लोग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP ID नहीं ले सकते हैं, या जिसको मिल नहीं पा रहा है, जिसके एरिया में काफ़ी सारे ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी अर्निंग जो है एक यहाँ पर जो सोर्स था इनकम का वो बंद हो चुका है, उसका शॉप भी बंद हो चुका है, काम ही नहीं कर पा रहे हैं वो, जो भी छोटे मोटे काम होते थे वो भी अभी जो NPCI के नए रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बहुत ही सख्त हो गए हैं। और बहुत सारे बैंकों का जो ID है, यहाँ पर बहुत सारे AEPS जो हैं जो भी कंपनी मतलब कि प्रोवाइड करती थी उसका ID सस्पेंड भी कर दे रहा है NPCI, और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बैंक हैं जो AEPS को ही डिसेबल कर रहा है, प्राइवेट कंपनी से AEPS से पैसा निकल नहीं पा रहा है बहुत सारे बैंक का। एग्जाम्पल से हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी जो फिलहाल एरर दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो भी बड़े बड़े बैंक हैं उसका पैसा निकल नहीं पा रहा है दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से प्राइवेट कंपनी से। ये जो है बहुत ही गलत हो रहा है। NPCI को इस बात पे सोचना चाहिए कि बहुत सारे ग्राहक को प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर जो मर्चेंट है, जो लोग AEPS ID लेके बैठे हैं, वो उसको भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो जो एक अर्निंग करते थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर AEPS संचालक की ही गलती है, जो लोग यहाँ पर जो CSP चलाते हैं CSP संचालक के वजह से ही उसका ID बंद किया जा रहा है। और अभी जो आप लोग देख रहे हो कि AEPS का जो सर्विस सब बैंक जो है छीन रहा है यहाँ पर, और सब बैंक जो है डिसेबल कर रहा है, तो ये जो ना AEPS की गलती से ही हो रहा है। ठीक है, AEPS संचालक जितने हैं वो कुछ ना कुछ गलती कर ही दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका ID जो है डिसेबल हो जा रहा है। अभी हम बताते हैं दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा है, कि कैसे कि देखिए दोस्तों ऐसा क्या है कि बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र वाले ऐसे हैं जो ग्राहक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और बहुत सारे जैसे कि पैसा निकालना है 1000 रुपये 1200 1500 रुपये निकाल ले रहे हैं, और ग्राहक को जो है पता नहीं चलता है, और बैंक के पास जब कंप्लेन जाता है तो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर डाल के यहाँ पर बैंक जो है उसको ID को सस्पेंड कर देता है, और फिर AEPS पे जो है सख्त कदम उठाना पड़ता है, रिपोर्ट करता है कोई भी बैंक, तो NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इस सब पे सुनवाई करता है, और उसका रिपोर्ट जो है एक बार फाइल करके उसको जो है हर ID को सस्पेंड करता है जो लोग फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग की ही गलती की वजह से, ऐसा नहीं कहता कि मैं सब जो है यहाँ पे फ्रॉड ही करते होंगे, यहाँ पर जो है 100% में से जो है ना 30% फ्रॉड करते ही करते हैं, और जो है 70% जो लोग सही हैं गलत की वजह से ये लोग भी यहाँ पर पिसा जा रहे हैं।
तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती नहीं करिए दोस्तों। अगर आप लोग करते भी हैं तो आप लोग सावधान रहिए, ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। आपको जो कमीशन मिलता है उसी में खुश रहिए, नहीं तो ये भी जो कमीशन मिल रहा है आपको वो भी ना मिले तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ के कोई भी काम करिए। और कोई भी ऐसा जो है, अगर आप लोग जो भी ग्राहक ये वीडियो देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या किसी भी बैंक के, आप लोग जो है 100% ना एक यहाँ पर बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर दोस्तों लिंक जरूर करवाइएगा। बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं विलेज की साइड में जिसका यहाँ पर जो आधार कार्ड, यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट में नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में लिंक नहीं है। तो आप लोग बैंक में जाइए, बैंक में जाने के बाद आप जो है मोबाइल नंबर को लिंक कराइए। मोबाइल नंबर को लिंक कराते हैं तो जितना भी पैसा आपका यहाँ पर आपके बैंक से ट्रांजेक्शन होगा वो सबकी हिस्ट्री आपके यहाँ पर मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर मिलती रहेगी। तो आप लोग जाइए और सबसे पहले अपने अकाउंट में जो है मोबाइल नंबर को अपडेट करवाइए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए और इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।